जी नाजरीना, हम इस वक्त हैं किप्स कॉलेज के सामने हाउसाबर रोड पे। तो यहाँ किला दीदार सिंह में किप्स कॉलेज की एक ब्रांच है जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो हम चलते हैं किप्स कॉलेज के अंदर और अंदरूनी मनाज़र आपको दिखाते हैं। कॉलेज के जो चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन हैं जनाब प्रिंसिपल साहब, वो हैं, उनसे मिलाते हैं आपको और कॉलेज की इमारत के बारे में और कॉलेज के माहौल के बारे में, कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं इसके बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं। आए सर को मिलते हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, देखते हैं कौन साहब हैं, उनसे हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं कॉलेज के बारे में। जी नाजरीन, ये हैं प्रोफेसर नासर महमूद घुमन साहब जो कि शोब फिज़िकल एजुकेशन को डील करते हैं किप्स कॉलेज में, और साथ ही इनके सरबराह हैं, सरबराह अदारा प्रिंसिपल साहब जो कि मोहम्मद अमीन साहब हैं लाहौर से, और मैथ के प्रोफेसर हैं माशाल्लाह। तो इनका सेटअप तो बहुत खूबसूरत देखने में लगा हमें, तो इनसे कुछ चीज़ों के बारे में पूछते हैं, ख़ासतौर पे कॉलेज में जो डिसिप्लिन ऑफर कर रहे हैं उनके बारे में। सर अमीन साहब, आप प्लीज़ बताएं कि आपका जो ये कॉलेज है किप्स कॉलेज, ये किला दीदार सिंह में पहली दफ़ा मैंने देखा है लॉन्च हुआ है, तो आप अपने इदारे के बारे में कुछ चंद अहम जो बातें हैं और या अहम खसूसियात जो हैं आपके इदारे की, वो प्लीज़ हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब दोस्त। तो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि किप्स कॉलेज की कुछ नुमायाँ जो खसूसियात हैं वो ये हैं कि इसका डिसिप्लिन सबसे पहले, डिसिप्लिन के बाद हमारा जो एकेडमिक्स है वो स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ साथ हमारा जो टेस्ट सिस्टम है बच्चों का वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा सर, एक चीज़ जो आमतौर पे हम देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में या प्राइवेट कॉलेजेस में, वो फीसों का बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट कॉलेज में हम लोग कहते हैं जी हमारे बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, तो आपकी फ़ीसों का मियार क्या है और किस क्या अफोर्डेबल हैं हमारे इस इलाके के बच्चों के लिए, या मैक्सिमम फ़ीस आप कितनी लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा इदारा जो है वो यहाँ पर आया ही इसलिए है कि हम आपके किला दीदार सिंह के बच्चों को पढ़ा सकें। तो बाकी रही से जहाँ पर फ़ीस की बात है, तो फ़ीस की हम इस दफ़ा जो है वो हमने मैक्सिमम स्कॉलरशिप दी है बच्चों को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ना फैसिलिटेट कर सकें। हमारे पास फ्री बच्चे भी पढ़ रहे हैं, यानी कि जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, यानी कि 1050+ मार्क्स जिन बच्चों के हैं वो सारे के सारे हमारे पास फ्री पढ़ रहे हैं। उसके अलावा जितने भी हैं 1030 से लेकर 1049 तक, उन बच्चों को हमने स्कॉलरशिप दिया हुआ है। उसके बाद 1000 से 1029 तक है, उनको हमने, उनको भी स्कॉलरशिप, यानी इवन आप ये देख लें कि जो बच्चे 600 की लाइन में थे उन बच्चों को भी हमने स्कॉलरशिप दिया, ताकि बच्चे जो हैं वो ईजिली आकर पढ़ सकें। और दूसरा ये होता है कि जो भी हमारा पैकेज बनता है उसको हम 4 इंस्टॉलमेंट 5 इंस्टॉलमेंट कर देते हैं, ताकि पेरेंट्स पर वो बोझ ना बने और वो ईज़िली उसको पे कर सकें। किप्स कॉलेज में क्लासरूम हवादार हैं, एरी हैं और रोशनी भी खूब है। देखें यहाँ पर ये आई थिंक लाइब्रेरी जो है ये तैयार हो रही है, और लाइब्रेरी के बुक्स के रैक हैं, और माहौल तो आप देख रहे हैं। इंटीरियर जो है माशाल्लाह 2 AC लगे हैं, 4 पंखे लगे हैं और लाइटें भी 8, 10, 12 नज़र आ रही हैं। तो इस तरह का खूबसूरत रूम या इस तरह की खूबसूरत लाइब्रेरी तो वैसे ही तालब इलम बैठ कर पढ़ना पसंद करेगा। हर कमरे में ACs हैं, लाइट्स हैं और प्रॉपर रोशनी, प्रॉपर हवा और खूबसूरत माहौल। ये है हमारा किप्स कॉलेज रूम नंबर 2 है, ये रूम नंबर 1 है। तो इसमें माशाल्लाह देखें जी, यहाँ पर सीटिंग पोजीशन, और यकीनन यहाँ पर तकरीबन 40 के राउंड बोर्ड चेयर्स हैं। तो माहौल तो तमाम क्लासरूम्स का खूबसूरत है माशाल्लाह, वाकई आइडियल माहौल है जी। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने इदारे के बारे में हमें चंद अहम इंफॉर्मेशन दी हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका इदारा इंशाल्लाह किले में ग्रोथ करेगा, और हम दुआ करते हैं आपके इदारे को अल्लाह ताला दुगनी और रात चुगनी तक की दे। नाज़रीन, जब किला से ज़फरवाल जा रहे हैं तो रास्ते में किला जो ही हमने क्रॉस किया है, तो ये सामने देखें एक छोटा सा पार्क नज़र आ गया है। तो आए पार्क में देखते हैं
कौन सी चीज़ें हैं और लोगों के और बच्चों के देखने के लिए एंजॉय करने के लिए क्या क्या यहाँ पर तफरीही सामान है, आए हैं हमारे साथ और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। नाज़रीन, इस पार्क का नाम है अहमद रिजॉर्ट। दोनों साइड में बड़े बड़े शेर बिठाए हुए हैं जी, और ये इसका मेन गेट है। बगैर फैमिली के एंट्री मना है। लेडीज़ के लिए फजर नमाज फजर से 2 घंटे तक मॉर्निंग वॉक बिल्कुल फ्री है जी। उसके बाद बकायदा टिकट गा रहा है काउंटर पर ख़वातीन, ये बकायदा टिकट लगती है इधर। उसके बाद ये जनाब टिकट रूम है मर्द हजरात के लिए, यहाँ पर ये ज़रूरी हदायात लिखी हुई हैं। और ये इसका मेन गेट है जी। तो आए हम थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं इधर खड़े होकर जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब? ठीक है। ये बच्चे इधर गार्ड हैं जी, बाहर चूँकि हदायात हैं कि अंदर जाना मना है, इसलिए हम यहाँ ही खड़े होकर व्यू ले लेते हैं। तो ये किला दार सिंह में उगुचा गांव है। उगुचा गांव के अंदर रोड के साथ ये खूबसूरत रिजॉर्ट बनाया गया है। यहाँ पर देखें बच्चों के लिए स्लाइड लगाई गई हैं। उसके बाद यहाँ पर बच्चों के लिए झूले, राउंड झूले हैं, और वो एक सीसा टाइप झूला है, और ये एक कश्ती है जी। उसके बाद ये भी झूला है, ये स्काई हाई या स्काई लैब इसको बोलते हैं। तो ये झूला भी ख़तरनाक है, पहले ऊपर जाता है, ऊपर जाकर फिर घूमता है। तो इस तरह के झूले यहाँ पर तकरीबन अगरचे इंटरनेशनल मेयार के नहीं हैं, लेकिन ज़रा छोटे हैं, लेकिन मॉडलिंग वही चीज़ है। तो ये झील भी दरमियान में बनाई गई है, लेकिन झील में अभी फ़िलहाल पानी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन खूबसूरत जगह है। और तकरीबन 3 एकड़ पर मुश्तमिल है ये जगह जो कि नज़र आ रही है। तो नाज़रीन, ये खूबसूरत जगह है। किला से थोड़ा आगे जाएँ, किला से तकरीबन 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे उगुचा गांव है, और उगुचा गांव में आफजाबाद गुजरा वाला रोड के साथ ये अटैच है छोटा सा पार्क जिसका नाम है अहमद रिजॉर्ट। तो चलें नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे।